हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे और करंट अफेयर के मेरे सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में गुर्जरों को 5% कोटा देने का प्रावधान किया है? तो मैं बता दूँ कि गुर्जर जो जाति होती है वो दो जगह होती है, एक हरियाणा में पाई जाती है और राजस्थान में भी पाई जाती है। तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने 5% कोटा देने का प्रावधान रखा है। और आपको पता है कि काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है कि जो गुर्जर हैं उन्होंने ट्रेन वगैरह रोक दिए हैं और जितने भी परिवहन के साधन हैं उनको रोक दिया है, उन पर एक तरीके से अपना कब्जा जमा लिया था। तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए उनका प्रस्ताव मान लिया है और 5% कोटा देने का उनका प्रावधान मान लिया है। ठीक है, राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के अगर सीएम हैं अशोक गहलोत जी हैं, आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, अशोक गहलोत जी इसके सीएम हैं। अगर डिप्टी सीएम की बात करते हैं, डिप्टी सीएम की बात करें, सचिन पायलट ये इसके डिप्टी सीएम हैं। ठीक है, राजस्थान में नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क यहां पाया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, कुछ इंग्लिश वालों के लिए भी हो जाए, डेजर्ट नेशनल पार्क पाया जाता है। और अगर बात करें तो यहाँ घाना पक्षी विहार, ठीक है, पक्षी विहार की बात करते हैं तो घाना पक्षी विहार भी पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। राजस्थान के जो अगर राज्यपाल आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लिए, कल्याण सिंह है इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, ट्रांसफैट को लेकर के किस राज्य ने हाल ही में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि ट्रांसफैट अगर कुछ खानों में है भी तो वो इतने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो केरल राज्य है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल ने ट्रांसफैट को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगाई है खानों पर। जैसे कि आप मान लीजिए, देखिए एक दो तरह के, एक तरह से ट्रांसफैट जो मान लीजिए ना, ट्रांसफैट जो होता है आपने यूज़ किया होगा, जैसे डालडा वगैरह आता था, डालडा एक कंपनी होती थी डालडा, वो वनस्पति घी बनाती थी। ठीक है, तो जो वनस्पति घी निकलता था डालडा का वो एक तरह से ट्रांसफैट होता था। ट्रांसफैट का ही उसमें ज़्यादातर ट्रांसफैट रहता था, परसेंटेज जो उसका होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था और वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी है ट्रांसफैट। ठीक है, तो ट्रांसफैट को लेकर के केरल सरकार बहुत सख्त है और उसने काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। केरल की बात करते हैं तो केरल के आपको पता है पिनारई विजयन है इसके सीएम। ठीक है, और पी सथाशिवम इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। केरल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे शांत घाटी पाई जाती है और शांत घाटी नेशनल पार्क। मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था उसमें पश्चिमी घाट पढ़ाया था, मैंने पश्चिमी घाट में आपको बताया था केरल में शांत घाटी नेशनल पार्क पाया जाता है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, अनामुडी छोला दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पाई जाती है, अनामुडी शोला या अनामुडी ही कह लीजिए, अनामुडी शोला नेशनल पार्क है। अनामुडी जो चोटी है, अनामुडी पीक है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी आता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में इतना ही है। जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसमें करीब 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा ही बताता हूँ ताकि आप लोगों के 10 क्वेश्चन में करीब 50 क्वेश्चन का मटेरियल कवर हो जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एग्रीकल्चर लोन को बढ़ा करके कितना कर दिया है, ये क्वेश्चन है। तो आरबीआई के बारे में, इसने जो लोन था एग्रीकल्चर लोन था वो पहले 1 लाख रुपये का था, अब कितना हो गया है 1 लाख से बढ़ा करके 1.6 लाख हो गया है। किसानों को मिलेगा उनके रुपए डेबिट कार्ड पे,
रुपए डेबिट कार्ड पे मिलेगा, ठीक है। आरबीआई के आपको गवर्नर पता है, आरबीआई के अभी जो हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं वो शक्तिकांत दास जी बनाए गए हैं, और कितने नंबर के हैं ये पूछा जा सकता है, तो 25वें नंबर के हैं, 25 नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, और वर्ल्ड वेटलैंड डे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, SGS-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस देश ने हाल ही में भेजी है? तो भारत ने नहीं भेजी है, या ध्यान रखिएगा, SGS-1 जो सैटेलाइट है ये भेजी है सऊदी अरब ने, सऊदी अरब ने भेजी है, ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी आपको पता है रियाद है, इसकी मुद्रा रियाल है, किंग है इसके सलमान है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, मटकी डांस किस राज से संबंधित है? तो डांस आपको पता होना चाहिए काफ़ी कुछ, ये जो संबंधित है एमपी से, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है, और अभी अभी जो हाल ही में आया हुआ है वो कूनो नेशनल पार्क, पहले ही क्या था, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब कूनो नेशनल पार्क हो गया है, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट है उसका याद रखिएगा एमपी का। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं, बैटला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बैटला नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो बैटला नेशनल पार्क है वो झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। झारखंड के बारे में अगर हम और बात करते हैं तो झारखंड के बारे में इसके सीएम जो हैं वो रघुवर दास जी हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, ये हैं। और बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है झारखंड को बता दूं मैं, कोयला खदान इसमें सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती है झारखंड में, और कोयला मैक्सिमम अगर भारत में सबसे ज़्यादा कहीं से निकाला जाता है तो झारखंड से निकाला जाता है। झारखंड में एक बोकारो सिटी है, उसके नाम से भी फेमस है, बोकारो स्टील प्लांट। अगर पूछा जाता है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखना है, झारखंड के बारे में खबर है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, एमडी और सीईओ पूछा गया है कॉर्पोरेशन बैंक के, तो ध्यान रखना है कॉर्पोरेशन बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं ये काफ़ी ज़्यादा मार मैं करा भी चुका हूँ, फिर भी आज करा देता हूँ, जो पीवी भारती जी हैं वो एमडी बैंक की सीईओ बनी है, हाल ही में बनी है, ये बैंक के लिए क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कॉर्पोरेशन बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय जरूर पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो मैंगलोर में है, बेंगलोर नहीं है, मैंगलोर कह लीजिए, ठीक है, मैंगलोर में इसका मुख्यालय है। नवे क्वेश्चन पे चलते हैं, नवे क्वेश्चन कहता है कि ICC जो वर्ल्ड कप होने वाला है अपना, जो वनडे मैचेस होते हैं उसका वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है 2019 में, आप ध्यान रखिएगा इंग्लैंड और वेल्स दोनों अलग अलग कंट्री हैं, एक कंट्री नहीं है, कभी एक कंट्री मत मानिएगा, इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि यूके को क्या कहते हैं, जो यूके होता है यूके को क्या कहते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि इंग्लैंड कहते हैं पर गलत है, यूके में 4 कंट्रीज शामिल हैं, पहला तो इंग्लैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा आपका स्कॉटलैंड और चौथा आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ये आपको याद रखना है। यूके में 4 कंट्रीज आती हैं, सिर्फ इंग्लैंड को नहीं कहते हैं, यूके में 4 कंट्रीज आती हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस जो जयंती है वो 23 जनवरी कब मनाई जाती है, 23 जनवरी को मनाई जाती है,
इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कोई और खास चीज है नहीं, नहीं तो मैं आपको बता देता, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आप अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करिएगा, आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।